आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, कुछ क्वेश्चन टाइपिकल क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स इसके अंदर है, फर्स्ट यूनिट के अंदर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1.4 हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो 1.4 मीनिंग पूछा, इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यहाँ पर क्वांटाइजेशन की स्पेलिंग मैं ठीक कर देता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि जो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा, दैट इज इक्वल टू इंटेगरल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। ई जो है दिस इज एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज है और एन कोई इंटीजर है। इंटीजर आप समझते हो, इंटीजर क्या होता है। और ई जो है एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन, उनका जो चार्ज है पॉजिटिव किस लिए लगाया है, अगर किसी बॉडी के पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रोटॉन है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से तो उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम प्लस का एग्जांपल लेते हैं, आयन का एग्जांपल लेते हैं सोडियम के, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अब 2 और 8, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सोडियम के होते 2, 8, 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल दिया गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास इस टाइम है। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर देखें हम 2, 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम देखें यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। ये क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो अगर हम यहाँ देखें कितना डिफरेंस आ गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, एक का डिफरेंस है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो चार्ज जो आएगा क्यू दिस इज इक्वल टू प्लस, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन किसको दिखाएगा, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक्स्ट्रा है, और पॉजिटिव किसके लिए लगाया, प्रोटॉन के लिए लगाया, तो इसके पास कितना चार्ज आएगा, प्लस ई चार्ज आएगा। ऐसे ही अगर क्लोरीन का केस अगर लेते हैं, सी एल नेगेटिव का मीनिंग क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा गेन कर लिया है, तो इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन अब हो गए हैं 2, 8, 8, ये क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन्स। और जबकि प्रोटॉन्स अगर देखें हम, इसके पास टोटल प्रोटॉन्स जो है वो 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इस टाइम जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो क्लोरीन के पास जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो नेगेटिव चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है प्रोटॉन से, कितने ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, और एलिमेंट्री यूनिट जो है वो ई चार्ज की, तो इतना चार्ज इस टाइम इसके पास है। अगर वैल्यू पुट करें, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो प्लस में कितना आ जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और यहाँ पर जो चार्ज आएगा ये माइनस में आ जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इस तरह से हम चार्ज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा, इस फॉर्मूले से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ से सोल्व होते हैं। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम गिवन है, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एग्जाम्पल की हेल्प से हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, जब हम किसी भी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, मान लो एक मैंने ग्लास रोड लिया, ये कोई ग्लास रोड है, ग्लास रोड, और ये हमारा सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। रब करने से पहले जब तक रब नहीं किया, टोटल चार्ज जो था, टोटल चार्ज बिफोर रबिंग, जब तक रब नहीं किया टोटल चार्ज, देखो इसके पास भी चार्ज 0 है और इसके पास भी चार्ज 0, क्योंकि ना कोई इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, ना इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज जो आएगा, मैं इसको Q1 से लिख देता हूँ, Q1 जो आएगा इसको Q1 से लिख देता हूँ, इसको Q2 से लिख देता हूँ, तो टोटल चार्ज जो है दिस इज Q1 प्लस Q2, और ये कितना है, 0 है। बट आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद अगर हम देखें, ग्लास रोड जो है जब इसके साथ रब करेंगे तो रबिंग से हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट से की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेंगे, और ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ पर हो जाएगा, जब हम इनको रब करेंगे, सिल्क क्लॉथ के पास हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस ग्लास रोड के पास उतना ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मीनिंग इसके पास जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड के पास आएगा, ठीक है। मान मैं सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पर मान लो 4 यूनिट जो है वो क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है,
और यहाँ पर जो है वो 4 यूनिट क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको मैंने क्यू टू डैश से डिनोट कर दिया, इसको क्यू वन डैश से डिनोट कर देता हूँ मैं। तो अब रब करने के बाद जो टोटल चार्ज आएगा क्यू डैश या क्यू टू लिख देता हूँ मैं इसको, क्यू टू दिस इज इक्वल टू क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश। तो टोटल चार्ज जो आएगा यहाँ पर 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 4 यूनिट क्या है नेगेटिव चार्ज। देखो ये कोई डिफाइंड नहीं है कि पॉजिटिव नेट चार्ज उसके, ये मैंने आपको समझाने के लिए सपोज किया है। तो यहाँ पर जो आएगा ये नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर अब हम देखें बिफोर रबिंग, रब करने से पहले टोटल चार्ज जीरो है पेयर के ऊपर, कंप्लीट पेयर के ऊपर, और रब करने के बाद भी टोटल चार्ज क्या है, जीरो है। यानी कि चार्ज जो है वो कंजर्वड है, कॉन्स्टेंट रहेगा चार्ज हमेशा। चार्ज क्या रहेगा, चार्ज इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, जीरो है। तो चार्ज यानी कि नेचर में क्या है, कंजर्वड है। तो ऐसे ही अदर पेयर्स के बीच में भी चार्ज जो है वो क्या रहेगा, वो कंजर्वड रहेगा हमेशा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको दिखाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1.6 जो है, यहाँ पर फोर पॉइंट चार्जेज क्यू ए 2 माइक्रो कूलम, क्यू बी -5 माइक्रो कूलम, क्यू सी 2 माइक्रो कूलम, क्यू डी -5 माइक्रो कूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वेयर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वेयर। तो मीनिंग क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक स्क्वेयर के कॉर्नर्स पे चार्ज दिए हुए हैं और ये पूछा है कि सेंटर पर अगर 1 माइक्रो कूलम चार्ज रख दें हम तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। यानी कि कूलम फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर एक स्क्वेयर बना देता हूँ, ये एक स्क्वेयर गिवन है, ऐसे ये स्क्वेयर गिवन है, नाम इसका रख देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, और साइड इसकी गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड गिवन है, और डिफरेंट कॉर्नर्स पे जो चार्ज गिवन है, देखो ए कॉर्नर पे 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, बी कॉर्नर पे -5 माइक्रो कूलम चार्ज है, जो हमारा कॉर्नर नंबर सी है यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर -5 माइक्रो कूलम चार्ज है, और सेंटर पर भी जो है वो चार्ज गिवन है, सेंटर पर जो चार्ज गिवन है वो 1 माइक्रो कूलम चार्ज गिवन है। तो यहाँ पर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा। मान लो मैं इसको लिख देता हूँ F1, तो F1 जो फोर्स आएगा दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगाते हैं, K आता है, K की वैल्यू देखो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर Q1 जो है वो ये सपोज कर लेते हैं 2 माइक्रो कूलम, और Q2 जो है वो ये भी 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, सॉरी ये जो हमारा इसको हम क्यू नोट मान लेते हैं यहाँ पे क्यू नोट, इसको मैं क्यू नोट लिख देता हूँ क्योंकि हमें फोर्स किस पर निकालना है, इस चार्ज पर निकालना है। तो ये यहाँ से जो फोर्स निकालेंगे, अब देखो ये चार्ज 2 माइक्रो कूलम है और ये जो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, देखो अब ये भी 2 माइक्रो कूलम चार्ज है और ये भी 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है। और अगर हम यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें, F1 जो फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, F2 के इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा, क्योंकि ये भी उतना ही चार्ज है 2 माइक्रो कूलम और ये भी 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है, तो दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए F1 जो है वो F2 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। अब ये चार्ज अगर देखें और ये अगर हम देखें तो ये जो चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। ऐसे ही ये जो चार्ज है ये भी नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो जितना फोर्स ये लगाएगा ये वाला चार्ज उतना ही फोर्स ये इतने ये वाला लगाएगा। यानी कि मैं अगर इसको दिखता हूँ F3 से तो ये हो जाएगा F4, और F3 जो फोर्स है वो किसके को लाएगा, F4 की, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेज का भी क्या आएगा, इक्वल, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट जो फोर्स लगेगा, जो हमारा सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है इसके ऊपर नेट जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जीरो लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम यहाँ से देखें, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूस कर्व, दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, वाई नॉट। तो मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं, उनके अंदर कोई सडन ब्रेक नहीं आता है, इसने पूछा है क्यों नहीं आता है।
देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, अगर मैं एक प्लेट लेता हूँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक प्लेट है नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारी होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। ये इमेजिनरी लाइन होती है जो हम ड्रॉ करते हैं, इसमें कोई सडन ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं होता ब्रेक इसके अंदर, क्योंकि जब हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर प्लेस करते हैं, मान लो कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव पर रिपल्सिव लगाएगा, तो यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस लाइन के अलोंग मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऐसे जंप कर जाए और यहाँ पर आ जाए, नहीं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ के अलोंग मूव करता है उस पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होती है वो कंटिन्यूस लाइन्स होती है, उसके अंदर कहीं भी ब्रेक नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन को छोड़ के ऐसे जंप कर जाए, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। सेकंड पॉइंट इसका गिवन है इसी क्वेश्चन में जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट गिवन, एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्यों क्रॉस नहीं करते? अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, मान लो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज मैं ये लेता हूँ ए बी और दूसरी मैं ले लेता हूँ सी डी, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जिस पॉइंट पर अगर मान लो ये यहाँ पर कंसाइड करती है, तो इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट हमारा इस कर्व के साथ आ जाएगा और दूसरा टेंजेंट हमारा इस कर्व के साथ आएगा। एक टेंजेंट टी वन, दूसरा टेंजेंट टी टू। और टेंजेंट टू द कर्व, मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है अगर इसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, मान लो इसका सेंटर इधर लाई करता है, तो ये जो टेंजेंट लाइन होती है, ये टेंजेंट लाइन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है जहाँ पर हमने एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए, इसका मीनिंग दो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक ही डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन उसकी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कभी भी इंटरसेक्ट किसी सिंगल पॉइंट पर नहीं करेगी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स में दिया है स्टूडेंट्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, टू पॉइंट चार्जेस क्यू ए इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम, क्यू बी इज इक्वल टू -3 माइक्रो कूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। यानी कि दोनों लाइन, दोनों चार्ज जो है इसका जो मिड पॉइंट आएगा, मान लो ये यहाँ पर मान लो नेगेटिव चार्ज गिवन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज गिवन है, तो दोनों चार्जेस की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 3 माइक्रो कूलम एंड -3 माइक्रो कूलम। इसको -3 माइक्रो कूलम राइट कर दिया, ये हमारा +3 माइक्रो कूलम हो जाएगा और ये इसका मिड पॉइंट। अब देखो डिस्टेंस मान लो ए लेते हैं -3, ये 3 माइक्रो कूलम है, ठीक है। चार्ज इक्वल है दोनों, तो इक्वल चार्ज है तो एक डाइपोल की तरह काम करेंगे, ठीक है। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें यहाँ पर सेंटर पर सपोज करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो ये वाला चार्ज जो है इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी वो इस तरफ आएगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। और ये नेगेटिव चार्ज जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मीनिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर, और जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि ई टू भी इधर ही आएगा। और अब अगर हम देखें ई वन और ई टू दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि चार्ज इक्वल है। जब चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, तो इसका मीनिंग जो है इलेक्ट्रिक जो फील्ड आएगा उसकी स्ट्रेंथ इक्वल आएगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दिस इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। और डायरेक्शन अगर देखें, डायरेक्शन कहाँ आएगी? डायरेक्शन इसकी इस साइड आएगी जिधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनको सिर्फ ऐड करना है हमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फोर्स डिवाइड बाई चार्ज होता है, तो वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? के क्यू डिवाइड बाई ए, ये आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ए की वैल्यू जो है वो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, वहाँ से निकाल लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ई नेट, ये ई वन या ई टू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा टू के क्यू डिवाइड बाई ए आ जाएगा।
तो यहाँ से हमें के की वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू 2 तो हमारे पास है ये 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हमारी के की वैल्यू आ गई। क्यू गिवन है 3 माइक्रो कूलम, तो 3 माइक्रो में गिवन है तो 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा ये। और ए जो है, ए की वैल्यू हमें यहाँ से देखनी है, क्योंकि सेपरेशन जो गिवन है दोनों चार्जेस के बीच का, वो 20 सेंटीमीटर गिवन है वैक्यूम के अंदर। टोटल जो सेपरेशन है वो कितना गिवन है, यहाँ से ये जो टोटल सेपरेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा 20 है। तो ए की वैल्यू 20 का हाफ हो जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू हमारी जो आएगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी, या ए को हम लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 100 मीटर। तो एक जीरो कैंसिल, तो 0.1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1, और इसका क्या कर देंगे, स्केयर। तो इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। ये आएगा हमारे पास 5.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन हमें, अब कोई ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव चार्ज को हम इधर भी दिखा सकते थे, तो डायरेक्शन इसकी नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी, ठीक है, किसकी तरफ आएगी, नेगेटिवली चार्ज जो गिवन है उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन आएगी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 का 8 था ये हमारा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, इफ़ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10 की पावर 9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो मीनिंग इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, नेगेटिव चार्ज रख दें, तो वो कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, तो फोर्स जो लगेगा दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, जो नेट वहाँ पर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है, और क्यू की वैल्यू है नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू ही पुट अगर हम करेंगे तो नेगेटिव का मीनिंग क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को रखता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं इस क्यू को रखूँगा, तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसको रिपेल करेगा इधर आएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर आएगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अलोंग आएगी, ठीक है। तो फोर्स कितना आएगा, क्यू इंटू ई, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्यू की कितनी वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ से देख लेंगे हम, तो 1.5, देखो नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ये गिवन है, नेगेटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो गिवन है 1.5 × 10 की पावर -9, और ई की वैल्यू हमारे पास ये हमने निकाली है, तो 5.4 × 10 की पावर 6। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये न्यूटन में हमारा जो है आंसर आएगा। और डायरेक्शन अगर देखें, डायरेक्शन किधर आएगी, जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इसके अलोंग इसकी फोर्स की डायरेक्शन आएगी यहाँ से। तो इसको सॉल्व करना है सिर्फ, ठीक है, नेगेटिव साइन अगर लगाना आप यहाँ पे लगा सकते हो नेगेटिव साइन, तो ये डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पर यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रॉब्लम्स में आया हुआ है। तो ए सिस्टम हैज़ 2 चार्जेज क्यू ए एंड क्यू बी, एक चार्ज पॉजिटिव गिवन है, दूसरा चार्ज नेगेटिव गिवन है, लोकेटेड एट पॉइंट्स 0, 0 -15 सेंटीमीटर एंड 0, 0 +15 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो एक्स वाई जेड जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ, यानी कि ये नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम का नेट चार्ज और नेट डाइपोल मूवमेंट पूछा है। तो नेट चार्ज जो आएगा वो हम निकाल सकते हैं, नेट चार्ज कितना आएगा, एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो नेट चार्ज जो आएगा वो तो हमारा 0 हो जाएगा। नेट चार्ज जो आएगा, नेट चार्ज कितना आएगा, 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर, Q1 + Q2, एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो नेट चार्ज 0 आ जाएगा। क्योंकि तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चार्ज प्लस का 3 माइक्रो कूलम है, ये माइनस का 3 माइक्रो कूलम है, ऐड करेंगे तो टोटल 0। और सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 का कर दिया मैंने पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। ये देखो ये चार्ज जो है हमारा ये कितना है, 2.5 × 10 की पावर -7 कूलम, और इधर जो नेगेटिव चार्ज है ये कितना, 2.5 × 10 की पावर -7 नेगेटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, नेट चार्ज दोनों के सम के इक्वल आएगा, सम 0 हो जाएगा। और अगर हम दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन देखें, ये -15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर जेड एक्सिस को इस तरह से दिखाता हूँ, ये हमारी जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से एक चार्ज हमारा ऊपर है एक चार्ज नीचे है, तो नीचे वाली ये जो लोकेशन है ये 0, 0 -15 है,
और ये ऊपर जो लोकेशन है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ऊपर होती है, तो ये हमारी 0 0 15 सेंटीमीटर है। तो एक चार्ज यहाँ पर रखा है, एक चार्ज यहाँ पर रखा है। अब हमें देखना कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। तो जो शुरू वाला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा नीचे रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा है 2.5 × 10⁻¹⁷ कूलम चार्ज, और यहाँ पर हमारा है नेगेटिव चार्ज, तो माइनस का 2.5 × 10⁻¹⁷ कूलम। तो इस तरह से लोकेशन गिवन है, तो ये एक डाइपोल बनाएगा, हमारा डाइपोल बन गया जिसका नेगेटिव चार्ज ऊपर है और पॉजिटिव चार्ज नीचे है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, चार्ज तो हमने निकाल लिया, सेकंड क्या निकालना है, डाइपोल मूवमेंट निकालनी है सिस्टम की क्या आएगी। तो डाइपोल मूवमेंट जो होती है पी इज इक्वल टू Q × 2A होती है, Q × 2A, और 2A की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 + 15, यानी कि ए की वैल्यू हमारी 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 0.15 मीटर बन जाएंगे इसके। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 × 15 0.3 मीटर, या 30 लिखना है 30 लिख लो, 0.30 मीटर। तो यहाँ पर हम जो है इस फॉर्मूले में डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगी 2.5 × 10⁻¹⁷ × 0.30। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ से आएगा जो वैल्यू हमारे पास 7.5 × 10⁻¹⁸ कूलम और मीटर। तो यूनिट को ज़रूर कन्वर्ट करना है सबसे पहले, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और डायरेक्शन अगर देखें डाइपोल मूवमेंट की, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो डायरेक्शन जो आएगी वो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग आएगी इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन भी हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, डायरेक्शन क्या आएगी डाइपोल मूवमेंट की, वो किसके अलोंग आएगी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, पी की जो डायरेक्शन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा, कौन सा किया हमने, 9th क्वेश्चन किया है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर जो है वो आया हुआ है 1.9 के बाद 11th क्वेश्चन हमारे पास आया है, इसकी और हमें जो है सॉल्यूशन करना है। तो ए पॉलीथीन पीस रबड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। देखो वूल के ऊपर जो चार्ज गिवन है, ए पॉलीथीन पीस रबड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉलीथीन के ऊपर जो चार्ज गिवन है वो नेगेटिव चार्ज गिवन है इतना। तो वूल पर कितना चार्ज आएगा, इसका मीनिंग पॉलीथीन पे जितना चार्ज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो वूल के ऊपर क्या आएगा, इतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, किससे किसके पास गए हैं। अब देखो नेगेटिव चार्ज किसके पास है, नेगेटिव चार्ज पॉलीथीन के पास है, तो इसका मीनिंग नेगेटिव चार्ज जिसके पास है उसी के पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यानी कि वूल से इलेक्ट्रॉन किसके पास ट्रांसफर हो गए हैं। यहाँ पर अगर मैं दो कंसीडर करता हूँ, एक तो मेरे पास गिवन है क्या, पॉलीथीन, और दूसरी गिवन है वूल। तो चार्ज इसके पास नेगेटिव आया तो इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ पर होगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होगा, देखो वूल के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉलीथीन के पास है नेगेटिव। तो जिसके पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज आएगा उसी के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन वूल से किसकी तरफ ट्रांसफ़र होंगे, पॉलीथीन के ऊपर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, यही फाइंड आउट करना है ना। देखो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वो हम क्वांटाइजेशन यूज करेंगे, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। क्यू की वैल्यू गिवन है, अब नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ये क्यू भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्यू की वैल्यू जो है हमें गिवन है, तो ये क्यू की वैल्यू जो गिवन है ये हमारे पास है 3 × 10⁻¹⁷। तो 3 × 10⁻¹⁷ ये नेगेटिव चार्ज है, एन हमें निकालना है, ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1.6 × 10⁻¹⁹ है, और एन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और इसको इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो एन जो बचेगा, एन दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁻¹⁷ डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻¹⁹। तो पावर्स को सोल्व करना है, तो मैथमेटिक्स आपको सोल्व करना है यहाँ से। तो सबसे पहले अगर पावर को देखें, ये 3 / 1.6, यहाँ पे 19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का होएगा, तो यहाँ पे 12 बचेगी पावर प्लस की। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका जो है फाइनल आंसर होगा। तो ये कितना आएगा यहाँ से, 1.8
7 × 5 × 10^12 कितना आएगा, 10^12। इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे किसकी तरफ हुआ है, वूल से जो है ट्रांसफर पॉलीथीन की तरफ हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, वूल से पॉलीथीन की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट की बना, जो इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। हाँ भाई, क्या वूल से, जब वूल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास है, तो इसका मीनिंग जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, मान लो ये एम ई जो है एक इलेक्ट्रॉन का मास है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हुए एन, तो टोटल मास जो ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, एन इंटू एम ई, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं 9.1 × 10^-31 kg। तो इसका मीनिंग हमारा वूल से जो है पॉलीथीन की तरफ कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ, वो मास कितना ट्रांसफर हुआ है, एन इंटू एम ई, एन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, ये एन की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल मास भी आ जाएगा। बट क्वेश्चन में ये पूछा नहीं हुआ कि कितना मास ट्रांसफर होगा, यही पूछा कि क्या मास ट्रांसफर होगा, तो आंसर क्या है, हाँ यस, मास ट्रांसफर होगा, और किससे किसकी तरफ होगा, वूल से पॉलीथीन की तरफ होगा, और कितना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच, ये हमारे थे कुछ टाइपिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स चैप्टर फर्स्ट से।